नमस्कार दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र का एक इम्पोर्टेंट शहर जहाँ आज काफी तेजी से विकसित हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के सबसे पॉपुलर मिनिस्टर नितिन गडकरी भी इसी नागपुर सिटी के ही सांसद हैं और एक एक करके अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में पूरे नागपुर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में तैयार कर रही है। आज नितिन गडकरी की अगुवाई में नागपुर काफी तेजी से विकसित हो रहा है। एक से एक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहे हैं तो कई सारे बनकर तैयार भी हो गए। ऐसे में देखना होगा कि नागपुर में आज कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहे हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व भर में नागपुर भारत का फोर्थ सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में से एक है। वहीं नरेंद्र मोदी जी की स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भी सबसे तेजी से विकसित करने वाला शहर है। ऐसे में आइए देखते हैं कि आज नागपुर में कौन कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नागपुर की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। समृद्धि महामार्ग के तहत बनाया जा रहा है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसे 6-लेन एक्सप्रेसवे के रूप में एक एसएस कंट्रोल हाईवे के रूप में विकसित कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार फेज वन का काम पूरी तरह से तैयार हो गया है, जो कि नागपुर से लेकर सिरडी तक 502 किलोमीटर तक बनकर पूरी तरह से तैयार है और 15 अगस्त के दिन शायद इसकी इनॉग्रेशन भी हो गई। वहीं सेकंड फेज को आने वाले 2024 से पहले ही पूरा किया जाना। ऐसे में देखना होगा कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यह पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन 55,000 करोड़ रुपये की है, जो कि तकरीबन 9,900 हेक्टेयर लैंड में बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 50 से ज़्यादा फ्लाईओवर, 5 बड़ी बड़ी टनल्स, 300 से ज़्यादा अंडरपास और 400 से ज़्यादा पैदल पथ अंडरपास को बनाया जाना है। बनने के बाद निश्चित तौर पर शहर में इन्वेस्टमेंट आएगा, कनेक्टिविटी तेज होगी और ट्रेड में आवाजाही भी बहुत ही स्मूथ होगा। इसके अलावा लाखों लोगों को यहाँ पे रोजगार के अवसर मिलेंगे, रियल एस्टेट में बूस्ट मिलेगा। ऐसे में देखना होगा कि मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट जो कि फेज टू का काम रह रहा है वो कब तक बनकर तैयार होता है। नागपुर की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है नागपुर मेट्रो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। रैपिड ट्रांसिट सिस्टम के रूप में प्रपोज किया गया नागपुर मेट्रो पहली बार 2014 में ही शुरू किया गया था और इसे 2019 में बनाकर पूरा किया गया और नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया। वहीं आज के डेट में जो कि इनिशियल फेज में ही प्रपोज किया गया था उसी का 14 स्टेशन का काम बाकी है, जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसे में देखना होगा कि ये 14 स्टेशन जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है वो बनकर तैयार कब होती है। वैसे इसकी डेडलाइन 2024 दे रखी है। ऐसे में देखना होगा कि 2024 से पहले यह बनकर तैयार होता भी है या फिर नहीं होता है। नागपुर की तीसरी बड़ी प्रोजेक्ट है आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट। 119 किलोमीटर लंबी रिंग रोड के रूप में प्रपोज्ड किया गया रिंग रोड प्रोजेक्ट 1,170 करोड़ की लागत से दो अलग अलग फेज में बनाया जाना है। आउटर रिंग रोड जो कि एक 4-लेन हाईवे के रूप में विकसित कर रही है, जो कि नितिन गडकरी जी अपनी देखरेख में बनाएगी। इसे बाद में 6 व 8 लेन के रूप में भी विकसित किया जाना, हालांकि इनिशियल फेज में इसे 4 लेन के रूप में ही विकसित किया जाएगा। अब देखना होगा कि नागपुर का रिंग रोड जो कि नागपुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है वो कब तक बनकर तैयार होते है। इसके अलावा नागपुर में एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है जिसका नाम है नागपुर मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। 766 किलोमीटर लंबा यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एलिवेटेड और अंडरग्राउंड रूट के रूप में से प्रपोज्ड किया गया है, जो कि नागपुर से होते हुए कफरी डिपो, वर्धा, फुलगांव, खरंजा लेड, मालेगांव, जहांगीर, मेनका, जलना, औरंगाबाद, सिरडी, सीनर, नासिक, इज्जतपुरी, सहारनपुर और मुंबई को कनेक्ट करेगी, जिसमें टोटल 15 स्टेशन को बनाया जाना। लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो 2021 में इसका एरियल सर्वे का काम शुरू भी कर दिया गया था और फरवरी 2022 में DPR वगैरह सारा तैयार करके रेलवे बोर्ड को सबमिट भी कर दिया गया, जिसके बाद यह प्रोजेक्ट चर्चा में आई और लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। आज की डेट में यहाँ पे रिसर्च और स्टडी करने का काम चल रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2032 तक बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि ये पूरी तरह से गलत है क्योंकि यह 2032 तक पूरा नहीं हो सकती है। मेरे अकॉर्डिंग 2040 से लेकर 2050 तक का भी समय लग सकता है। ऐसे में देखना होगा कि नागपुर मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो कि एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट में से एक है वो कब तक बनकर तैयार होती है। नागपुर की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है अजनी ROB केबल स्टे ब्रिज प्रोजेक्ट NMC, यानी कि नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रपोज किया गया ब्रिज एक केबल स्टे ब्रिज के रूप में बनाया जाना है, जो कि अजनी रेलवे स्टेशन के पास ही सिचुएटेड है। ब्रिज बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे 8-लेन एक्सप्रेसवे के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जो केबल स्टे ब्रिज तो होगा ही बट ये छोटे स्केल में से तैयार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बनने के बाद इस एरिया का एक पूरा लैंडमार्क बनेगा और बनने के बाद टूरिज्म में भी काफ़ी गतिविधि देखने को मिलेगी। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में यहाँ पे टूरिज्म ग्रोथ करती है या फिर नहीं करती है। ऐसे इस प्रोजेक्ट को 200 करोड़ की लागत से ही सिर्फ बनाया जा रहा है, जो कि एक नॉर्मल ब्रिज होगी जो कि नागपुर वर्धा सेक्शन का ही एक हिस्सा है। ऐसे में देखना होगा
कि अजनी का ROB केबल स्टेब्रिज जो कि 200 करोड़ की लागत से बनाया जाना है वो कब तक बनकर तैयार होता है। नागपुर की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रपोज किया गया प्रोजेक्ट गति शक्ति स्कीम के तहत एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाया जाना है। बताया जाता है कि मध्य भारत की सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में से एक है, जहां पे ना सिर्फ आवाजाही में तेजी होगी बल्कि ट्रेड में भी काफ़ी विकसित होगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, रोजगार के अवसर खुलेंगे और नए नए लोगों को रोजगार से मिलेंगे, नए नए फैक्ट्री खुलेंगे, नए नए इंस्टीट्यूट खुलेंगे। बताया जाता है कि इसे पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में विकसित किया जाना है, जहाँ पे ना जाने कितने लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार यह बनकर तैयार होती है दिल्ली से लेकर नागपुर में जितनी भी बेरोजगारी की समस्या है वो लगभग खत्म हो जाएगी। दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को एक्सटेंड करके हैदराबाद तक किया जाना है, जो कि यह पूरी तरह से पहले से ही प्रस्तावित है, बट हाँ इनिशियल फेज में दिल्ली से लेकर नागपुर तक बनाया जाना है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि हैदराबाद तक बनाया जाना है वो कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे इसकी डेडलाइन तो 2030 दे रखी है, बट देखना होगा कि 2030 तक बनकर तैयार होता है या फिर डिले होता है। इसके अलावा आज नागपुर में बहुत सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहे हैं, बहुत सारे बनकर तैयार भी हो गए हैं और इन सभी को धीरे धीरे करके डेवलप करके नागपुर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है, जहाँ पर ना सिर्फ अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि सभी लोगों को रोज़गार, अच्छी फैसिलिटी और एक उच्च स्तरीय लाइफ स्टाइल भी मिलेगा। इसमें देखना होगा कि यह नागपुर स्मार्ट सिटी के साथ साथ नागपुर में जितने भी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रही है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रही है वो कब तक बनकर तैयार होता है और कब तक नागपुर एक स्मार्ट सिटी के रूप में पूरी तरह से विकसित होता है। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।